आप ये देखो, यहाँ की हवा देखो आप। पूरा आज इनको एक्सप्लोर करता हूँ अच्छे से। मेरा फोन वॉलेट ले। आप ये देखो, यहाँ की हवा देखो आप, कितनी शुद्ध हवा है। ठीक है, कितनी शुद्ध हवा है। मैं आपको अपना दिखाता हूँ, यहाँ से ये शुरू करके ये आप देखोगे, ये पूरा इधर से बहुत सुंदर प्लेस है। मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ पे क्रिकेट खेल के ना। ठीक है, ये क्या है कि ये जैसे जो यहाँ पे माली रहता है उसके लिए एक कॉटेज बनाई हुई है छोटी सी, वो विद फैमिली रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे चावल उगाना है या कुछ भी उगाना है तो वो उगाया हुआ है, ऑर्गेनिक चावल। यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब मैं तो ये खेतीबाड़ी नहीं करता हूँ, पूरा आपको उधर से दिखाता हूँ। ये लैंड आप उधर से दिखाता हूँ, इसकी एंट्री कहाँ से। ठीक है, एंट्री दिखाता हूँ। बहुत मन था एक बार कि आपसे बात होगी यहाँ पे, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे आके। इतना रिलैक्सिंग लगती है लाइफ, पता है, लगता है कि यार हाँ जिंदगी आनंद का ही नाम है। क्योंकि देखिए, जल तो रही है सिगरेट की तरह, आनंद ले सकते हो तो ले लो, वरना भूज के नीचे गिरी जानी है कि नहीं बताओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका गेट, और ये प्लेस। हमने देखो, अगर बाहर गेंद गई तो आउट होता है, ये नेट इसीलिए लगा रखे हैं सारे में नेट, ताकि हम स्टंप लगा के रेडी है मामला। देखिए सब, आज भी देखिए यहाँ पे भी चूल्हे पे ही काम होता है। जो लोग यहाँ रहते हैं, जो माली हैं, वो लोग चूल्हे वगैरह पे काम करते हैं। ये सब्जियाँ हैं इधर, कौन कौन सी हैं ये सब्जियाँ, ये और ये हमने नेट इसीलिए लगा रखा है ताकि अगर गेंद बाहर गई तो समझ लो आउट है, तो गेंद को रोकने के लिए नेट लगाया हुआ है हमने। ये देखिए आप, ये पूल का पानी देखिए, मज़ा आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आके नेट खराब हो जाता है यार थोड़ा सा, नहीं। अरे बफ हो रहा है क्या आप, कैसे देखिए क्रिकेट का, मैंने कहा बच्चों को दिखाएंगे। हाँ आप देख पा रहे हो, ये हमारे स्टंप हैं, ये बैट बॉल हम जहाँ खेलते रहते हैं। ठीक है, बैट कहाँ है, मेरा बैट तो पता नहीं कहाँ है, आज आया भी है कि नहीं आया। मेरा बैट नहीं आया। ये इसमें कॉटेज है, मतलब कि किसी को रुकना है। ये बच्चा आया हुआ है कौरव, आप जानते हो मुझसे मिलने, ये स्टूडेंट है। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर मिलने आता है तो मैं यहीं पे उसको आराम से वो देता हूँ, ट्रीटमेंट देता हूँ कि बेटा शांत रहो, जीवन यही है। जीवन का दृश्य दिखाता हूँ, जो भी बच्चा यहाँ मुझसे मिलने आता है उसको मैं जीवन का दृश्य दिखाता हूँ जैसे ही आए। आप भी कभी मिलने आ सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें और दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे, ये कॉटेज हो गया, ये कॉटेज तो कभी फिर दिखाऊंगा एक साथ, इतनी सारी चीज़ें नहीं। इधर दिखा के लाता हूँ, थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ। नेट का बड़ा इशू है, ये आप देखेंगे, जैसे कि खाट और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल देते हैं,
और मैं एक चीज दिखा रहा था आपको, चलिए एक साधना कुटिया भी है, ठीक है वो दिखाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो चलो फिर मुलाकात होती रहेगी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और आज मैंने इनसे खूब सारी बातें कर ली और सिर्फ खुद खुद बोला है, सुनी किसी की भी नहीं है। पानी गर्म किया कि नहीं? तो ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक मैं विदा लेता हूँ। और ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। सर आज मैं बहुत टेंस्ड फील कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, ऐसे आप टेंस्ड फील क्यों कर रहे हो? ऐसे मत करो यार, टेंस्ड फील मत करो यार, ऐसे यार टेंस्ड करके क्या होगा, हमने तो जीवन में कभी टेंशन नहीं ली। ठीक है, होगा सब, मेहनत करते रहो, क्यों फल नहीं मिलेगा बताओ। स्विमिंग पूल देखना है, ये देख लो स्विमिंग पूल, ये बड़ा लोगों का स्विमिंग पूल है, ये छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल है, ये हमारे क्रिकेट के स्टंप हैं, ये चाय कॉफ़ी पीने के लिए जगह है, बट अभी उतनी सफाई यहाँ पे नहीं हो पाती है। ठीक है चलो फिर मैं मिलता हूँ और आपसे बाद में मुलाकात होगी, तब तक बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऐश करो। और शाम को सुनो सुनो, हाँ एक बात कहना भूल गया, शाम को 5 बजे ज्योमेट्री की ट्राइंगल, क्या क्या ज्योमेट्री की ट्राइंगल की जितना भी बेसिक है, जितने भी सवाल आए हैं अभी LDC में, इसमें उसमें, वो सब कुछ मैं लेके आऊँगा, सब कुछ, एवरीथिंग। तो सर आपकी गाड़ी कौन सी है ये भी बताऊँगा किसी दिन, सारी गाड़ियों का कलेक्शन दिखाऊँगा। ठीक है, गाड़ियों का काफ़ी शौक है मुझे, तो पूरा कलेक्शन दिखाऊँगा। तो चलो फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे, विदा लेता हूँ तब तक। ठीक है, बहुत धूप है, धूप का आनंद लेता हूँ, खेलता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, एक कि शाम को 5 बजे मिल रहे हैं ट्राइंगल की क्लास में, ध्यान रखें अपना, खुश रहें, बाय बाय, टेक।